नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम तीन चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 21 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है लेस टैक्सिंग, और ये बात करता है जो हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। और एडिटोरियल का कहना है कि एक स्टैंडर्डाइज रिक्रूटमेंट टेस्ट से जरूर सुधार आएगा, लेकिन साथ ही साथ नए जॉब्स की भी जरूरत है और उस दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहां ये जुड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के साथ और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एजुकेशन इसके साथ भी। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए आप देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स पे जाने से पहले आइए समझते हैं कि एनआरए क्या है। तो 19 अगस्त को यूनियन कैबिनेट ने अपनी सहमति दी है कि एनआरए को सेटअप किया जाए, एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इसके बारे में प्रथम बार बात हुई थी यूनियन बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमन के द्वारा। और ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी कंडक्ट करेगी सारे नॉन गजेटेड पोस्ट्स के लिए, जिनमें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल जॉब्स भी आएंगे। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि गजेटेड और नॉन गजेटेड का अंतर क्या है। तो जब हम बात करते हैं गजेटेड ऑफिसर की, तो वो ऐसा ऑफिसर होता है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई और अटेस्ट कर सकता है। लेकिन 2014 के बाद से सरकार ने सेल्फ अटेस्टेशन को पर्याप्त बना दिया है कई सारे पर्पजेस के लिए, और अब बहुत ही कम कारणों के लिए आपको गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और गजेटेड ऑफिसर वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो कि अपनी सर्विस और रिक्रूटमेंट कंडीशन डिराइव करते हैं गजेट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 309 के अंतर्गत, तो इसीलिए उन्हें गजेटेड ऑफिसर कहा जाता है। और जनरली ये हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो ग्रुप ए सर्विसेज होती हैं उसके सारे ऑफिसर्स गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। लेकिन अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो इसमें गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों आते हैं, और इससे नीचे ग्रुप सी और ग्रुप डी में नॉन गैजेटेड ही होते हैं। और सरकार ने ये जो कदम उठाया है एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, इसका उद्देश्य है कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को स्ट्रीमलाइन करना, उसको बेहतर बनाना, और जो मल्टीपल टेस्ट हैं उनको रोकना, उनको खत्म करना, जिससे लोगों का समय और रिसोर्सेज दोनों बचे, और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें और ज्यादा पारदर्शिता आए। तो अभी एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब करीब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 20 तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और करीब 50 से ऊपर ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं एक साल में। तो जो भी विद्यार्थी इन गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें मल्टीपल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। अपने घरों से बहुत दूर जाके उनको सेंटर मिलता है, वहां जाके उन्हें एग्जाम देना पड़ता है, और ये ज्यादा दिक्कत वाला हो जाता है महिला कैंडिडेट्स के लिए और समाज के वंचित वर्गों से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिन्हें कि काफी खर्च भी करना पड़ता है ऐसे एग्जामिनेशन की फीस भरने के लिए, और उन्हें दूर जाके एग्जाम भी देना पड़ता है। तो अब एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होने से उसमें सुविधा होगी, और ये एग्जाम ऑनलाइन होगा, साल में 2 बार होगा, और इसको कैंडिडेट मल्टीपल टाइम दे सकेगा। तो इससे कैंडिडेट्स को ये भी फायदा होगा कि अभी अगर वो साल भर तैयारी करते हैं और एग्जाम किसी एक दिन होता है, तो कभी कभी उस दिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होने के कारण उनका पूरा साल बर्बाद होता है। तो इस सिस्टम के अंतर्गत उन्हें मल्टीपल चांसेस मिलेंगे, साल में ही 2 बार मौके मिलेंगे अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए, और जो उनका अच्छा स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि फिलहाल एनआरए सिर्फ 3 एजेंसीज के लिए ये एग्ज़ाम कराएगा, और वो भी प्रिलिमिनरी लेवल का। इससे एडवांस लेवल एग्ज़ाम वही एजेंसीज कराएंगी, और इसमें ये 3 एजेंसीज हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC। बाद में इसमें और भी गवर्नमेंट एजेंसीज को जोड़ा जाएगा।
और अभी जो सरकार की ओर से आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार करीब 2.5 करोड़ एस्पिरेंट्स एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे और उनका स्कोर 3 साल तक वैलिड भी रहेगा। और ये एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जिसके मार्क्स के बेसिस पे वो दूसरी एजेंसीज के लिए अप्लाई कर सकेंगे जहाँ की उनका एडवांस लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और NRA को एक स्पेशलिस्ट बॉडी के तरीके से तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्हें इंक्लूड किया जाएगा इसमें जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट और बेहतर हो सके। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ये सुविधा स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी आगे शेयर करने पर विचार करेगी। तो इसके द्वारा अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं होगी, कैंडिडेट जितने बार चाहे ये एग्जाम दे सकते हैं लेकिन उनके ऊपर एज की सीमा लागू होगी जैसे कि वर्तमान में होती है। जो टेस्ट हैं वो 3 लेवल पे कराए जाएंगे, एक ग्रेजुएट लेवल पे, 12वीं लेवल पे और 10th लेवल पे, और इसके अनुसार वो अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 12 भाषाओं में शुरुआत में ये एग्जाम्स होंगे जो कि बाद में 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको शामिल करने की सरकार की योजना है। और साथ ही साथ सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जो एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हर जगह बढ़ावा दिया जाए, उसको बेहतर किया जाए और ख़ास तौर से जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ की सोशल और एजुकेशनल इंडिकेटर्स काफ़ी लो हैं तो वहाँ सरकार का खास ध्यान रहेगा। तो अब इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा नॉन गैजेटेड जॉब्स के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करने हेतु एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन का निर्णय जो लिया गया है वो स्वागत योग्य है और ये प्रशासनिक सुधार को आगे बढ़ाएगा। और एडिटोरियल कहता है कि इससे परीक्षा अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न भर्ती एजेंसियों जैसे कि रेलवे भर्ती बोर्ड जो कि RRBs हैं, कर्मचारी चयन आयोग SSC और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि IBPS के लिए अलग अलग परीक्षा देने की आवश्यकता अब समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए लागू होगा। जो एडवांस एग्जाम है एक बार आप प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर लेते हैं उसके लिए ये एजेंसी अपने आप ही कराएंगी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए RRBs ही करेंगे, SSC के लिए SSC और बैंकिंग के लिए IBPS। लेकिन एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों से रेलवे अपनी परियोजनाओं और सेवाओं के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉयमेंट है उसका सहारा ज़्यादा ले रहा है लेकिन अभी भी सरकारी प्रणाली ही सबसे प्रमुख भर्ती व्यवस्था बनी हुई है। और रेलवे हम जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है। और इसी वर्ष जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने संसद में बताया था कि 2019 में ग्रुप सी कर्मचारियों के करीब 1.43 लाख पदों के लिए 4 अधिसूचनाएं जारी की गई थी और पिछले वर्ष भी करीब करीब इतने ही पदों पर भर्ती हुई थी। तो इससे पता चलता है कि किस लेवल पे एग्जाम्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को कंडक्ट कराने पड़ते हैं और इसमें सरकार का कितना संसाधन लगता है। तो इसीलिए NRA जैसी संस्था के आ जाने से सरकार के रिसोर्सेज में भी बचत होगी और उनका सही उपयोग हो पाएगा। और एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि इससे कई लाभ प्राप्त होंगे NRA के आने से, कि एक वर्ष में करीब करीब 1,25,000 नौकरियों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार आवेदन करते हैं और कुछ ही चयनित शहरों और परीक्षा केंद्रों में परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो ऐसे में कैंडिडेट्स पर काफ़ी दबाव भी पड़ता है कि उन्हें अपने घरों से काफ़ी दूर जाके एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और मल्टीपल एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। लेकिन NRA के आ जाने से अब एक सिंगल एग्जामिनेशन हो जाएगा प्रिलिमिनरी लेवल पे और उनके नज़दीक के ज़िले में ही आयोजित होगा, तो जिससे कैंडिडेट्स को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। और भी कुछ लाभ हैं इस CET से, जैसे कि जो वित्तीय बोझ है वो भी कैंडिडेट्स पर कम होगा क्योंकि उन्हें सिर्फ एक एग्ज़ाम देना होगा ना कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स। वो परीक्षा को कई बार दे सकते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउड होंगे और जो उनके प्राप्त स्कोर होंगे वो 3 वर्ष तक वैलिड भी रहेंगे। ये इसकी कुछ विशेषताएं होंगी। लेकिन साथ ही साथ एडिटोरियल का मानना है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में रिफॉर्म लाना तो अच्छी बात है, सरकार की ओर से एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन साथ ही साथ सरकार को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के स्तर में वृद्धि करने की भी ज़रूरत है और जो सर्विसेज हैं जो सरकार के माध्यम से लोगों तक पहुँचनी चाहिए उनमें भी विस्तार करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर में
बढ़ सके, क्योंकि एडिटोरियल का मानना है कि वर्तमान में भारत में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है और सार्वजनिक सेवा की पहुंच है दोनों ही काफ़ी नीचे स्तर पर है और इसमें सुधार की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। तो सरकार ने NRI के अंदर जो लक्ष्य लिए हैं, खासतौर से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना इत्यादि, वो काफ़ी प्रशंसनीय लक्ष्य हैं। लेकिन ये उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि जो संगठित कार्यबल के एक हिस्से के रूप में केंद्र सरकार के रोजगार में गिरावट देखी जा रही है, और दूसरा नए पदों के लिए समय समय पर मंजूरी तो दी जाती है लेकिन बड़ी संख्या में पद रिक्त बने रहते हैं। तो यहाँ भी सुधार लाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए केंद्र सरकार को ही प्रयास करने पड़ेंगे। एक और चिंता जो एडिटोरियल के द्वारा बताई गई है वो है रेलवे से संबंधित, क्योंकि सरकार रेलवे की प्रमुख सेवाओं को निजी क्षेत्र को स्थानांतरित करने के लिए बल दे रही है। तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो सरकारी नौकरियां अभी रेलवे में अवेलेबल हैं उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ जाए। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जो केंद्र के अंतर्गत आने वाली नौकरियां हैं वो मुख्य रूप से रेलवे और रक्षा क्षेत्र में हैं, तो वहाँ जो सार्वजनिक रोजगार का वो मात्र 14% भाग ही केंद्र सरकार की नौकरियों का है और शेष नौकरियां राज्यों के दायरे में आती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी होगा कि जो NRI के द्वारा जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा उसको केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ भी शेयर करे और राज्य सरकारों को भी इंसेंटिव दे कि वो भी NRI का हिस्सा बन सके या अपने जो रोजगार के टेस्ट हैं वो NRI के द्वारा करवा सके। और एडिटोरियल में बताया गया है कि NRI को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, वाइड पब्लिसिटी, ओपन कंपटीशन, इन सारी चीज़ों का समावेश होना पड़ेगा। और एक और समस्या जो विद्यार्थियों को कई बार आती है ऐसी परीक्षाओं में वो है विलंब की। तो NRI के आ जाने से अब उन्हें वो विलंब वाली समस्या से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ NRI के आ जाने से पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा और इसकी व्यापक पहुँच भी होगी सारे लोगों तक। और ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स के केस में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कई सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जब SSC हो या अन्य कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी हो उसके पेपर्स के लीक होने की घटना या उसके अधिकारियों के करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल होने की घटना सामने आई है और इससे जो विद्यार्थियों का मनोबल भी गिरा है और विद्यार्थियों का भरोसा भी हटा है ऐसी एजेंसीज से। तो अब NRI के आ जाने से इस पर भी सुधार होने की अपेक्षा है। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि गति, दक्षता और ईमानदारी के स्तर में वृद्धि होगी NRI के आने के साथ, और साथ ही साथ जो उम्मीदवार चयन की पूरी प्रक्रिया है उसको एक मॉडल रूप में पेश किया जा सकेगा जो कि पहले केंद्र सरकार फॉलो करेगी और हो सकता है कि बाद में इसका अनुसरण बाकी की राज्य सरकार भी करे। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले देखते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो इसे पहले जाना जाता था रेलवे सर्विस कमीशन के रूप में, लेकिन जनवरी 1985 में इसको रीनेम किया गया, इसका नाम बदला गया और इसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नाम दिया गया। तो RRBs फंक्शन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत और ये अपॉइंटमेंट मैनेज करते हैं इंडियन रेलवेज में। फिलहाल 21 बोर्ड हैं जो कि भारत के अलग अलग कोनों में स्थित हैं और हर RRB में एक चेयरमैन, एक मेंबर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी और नॉन गेजेटेड स्टाफ होते हैं। अब देखते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC। तो इसका गठन हुआ था जब एस्टिमेट कमेटी जो कि पार्लियामेंट की कमेटी है उसने रिकमेंडेशन दी थी 1967-68 में अपनी 47th रिपोर्ट में कि एक ऐसी कमीशन को बनाया जाए जो कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सके लोअर कैटेगरीज पोस्ट में रिक्रूटमेंट के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमीशन का गठन किया जिसका नाम था सुबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन नवंबर 1975 में, और सितंबर 1977 में इसका नाम बदलकर इसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नाम रख दिया गया जो कि अभी तक विद्यमान है। और SSC का काम है कि वो रिक्रूट करे स्टाफ को अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और सुबॉर्डिनेट ऑफिसेज में। और SSC एक अटैच्ड ऑफिस की तरीके से काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के, और इसमें एक चेयरमैन होते हैं, दो मेंबर्स हैं और एक सिक्योरिटी कम कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और जो हेडक्वार्टर है SSC का वो नई दिल्ली में स्थित है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS। तो जो IBPS है ये रिक्रूटमेंट बॉडी है जिसको शुरू किया गया था इस उद्देश्य के साथ कि ये एंकरेज करेगा
यंग ग्रेजुएट्स को रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट मिलने में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और ये एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम असेसमेंट का और रिजल्ट प्रोसेसिंग का देता है इन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और IBPS अपनी सेवाएं देता है सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जिसमें कि SBI, जो SBI के सहायक बैंक हैं, RBI, NABARD, SIDBI, इंश्योरेंस कंपनीज इत्यादि आती हैं। और IBPS को गवर्न करता है एक बोर्ड, जिसमें कि नॉमिनीज हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉमिनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नॉमिनी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भी नॉमिनी होते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट से, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के भी नॉमिनी रहते हैं गवर्निंग बॉडी में। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जा सकता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, कि इसका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके क्या फीचर्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ये नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करेगा, एग्जाम ऑनलाइन होंगे, साल में 2 बार होंगे, 12 लैंग्वेजेस में होंगे, और आगे चल के इसमें सरकार की मंशा है कि ये 8 शेड्यूल के सारे लैंग्वेजेस को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और फिलहाल ये जब शुरू हो रही है तो ये 3 एजेंसी के प्रिलिमिनरी एग्जाम को कंडक्ट करेगी एक साथ, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, SSC और IBPS। तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए NRA के बारे में, और इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर मेंस की बात करें तो सवाल पूछा जा सकता है कि किस तरीके के सुधार गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में NRA के आने से आएंगे, और इसके फायदे और नुकसान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वैसे तो इसके ज़्यादातर फायदे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा सिस्टम में, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्ज़ाम है उसको कम करेगा, सिर्फ एक एग्ज़ाम रहेगा, स्कोर वैलिड रहेगा 3 साल के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो पाएगा, तो इससे फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर नुकसान की बात की जाए तो इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि जो रूरल कैंडिडेट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी नहीं हैं, उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको ज़रूर इससे नुकसान हो सकता है, और इसके लिए ज़रूर सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे कि उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके और उन्हें कुछ सुविधा मुहैया कराई जा सके, जिससे कि वो भी अपने अर्बन काउंटर पार्ट से पिछड़े नहीं इस एग्ज़ाम को देने में। तो ये एक कमी इसकी बताई जा सकती है, लेकिन धीरे धीरे सभी को ऑनलाइन सिस्टम की ओर मूव तो करना ही पड़ेगा। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अभी प्रेजेंट चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सिस्टम में, और किस तरीके से NRA उसको एड्रेस करने में सक्षम होगा, और क्या और सुधार किए जा सकते हैं गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।